हिंदू धर्म में सकट चौथ का बहुत ही महत्व माना गया है। इस दिन महिलाएं भक्ति भाव से व्रत रखती हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। साल 2023 में सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है। हिंदू धार्मिक मान्यता में किसी भी पूजा पाठ से पहले गणेश भगवान का आवाहन जरूर किया जाता है, उसके बाद ही किसी के दूसरे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। आइए जानते हैं कि नए साल 2023 में सकट चौथ कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक नई नई जानकारी आप तक आसानी से पहुंचती रहे। सकट चौथ 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त है माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 पर प्रारंभ होगी, जो 11 जनवरी 2023 को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ 2023 का व्रत 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:41 पर होगा। सकट चौथ त्योहार के दिन पहले ही व्रती महिलाओं को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर इसके बाद सकट चौथ वाले दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। फिर इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करते हुए गंगा जल का छिड़काव करें और सुबह की पूजा करते हुए संकल्प लें। दिन भर निर्जला उपवास करते हुए रात में चंद्रमा को अर्घ दें, भगवान गणेश जी की पूजा कर फलहार करें। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में गणेश मंत्र का जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना भी बेहद शुभ होगा। सकट चौथ पर लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 माह में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ माह की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव व माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं, साथ में संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी के साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी संकटों से रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी सकट चौथ व तिलवा चौथ की पूरी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो निवेदन है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसी ही नई नई जानकारी आप तक आसानी से पहुँचती रहे। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बोलो जय जय श्री कृष्ण।